जीतन मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच पिछले दिनों जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए लड़ाई तेज हुई है, बयानबाजी को लेकर, या पिछले दिनों तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने जीतन मांझी पर कई आरोप लगाए थे। उनका मानना था कि जीतन मांझी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जीतन मांझी के तरफ से बुलावा आया है तेज प्रताप यादव को, आने वाले दिनों में यानी कल जीतन मांझी की आवाज़ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इस इफ्तार में तमाम लोगों को बुलावा भेजा गया है, खास तौर पे जीतन मांझी को और तेज प्रताप यादव के बीच जो बातचीत इन दिनों चली है उसको लेकर खासा चर्चा का विषय बने तेज प्रताप यादव को भी बुलावा आया है। अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव और जीतन मांझी के बीच सुलह की कोशिश जो है वो तेज़ हो गई है। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना है कल। बिहार सरकार के तमाम मंत्री, विपक्षी दलों के नेता, सभी लोगों को बुलावा भेज दिया गया है। सुशील मोदी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, भाजपा के संजय जायसवाल हो, सभी लोगों को बुलाया गया है। हो सकता है यहाँ पे मुकेश सहनी को भी बुलावा जाए, तेजस्वी यादव को लेकर भी बातें चल रही हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को बुलावा भेजा गया है। जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव पिछले दिनों जीतन मांझी से नाराज़ थे, कई बार बयान दे रहे थे, तो अब सुलह की कोशिश जारी है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जो ताज़ा दिनों में यानी हालिया दिनों में जो घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम को लेकर तेज प्रताप यादव ने जीतन मांझी पर ही कई आरोप लगाए थे। मामला जीतन मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच का था, साथ ही तेज प्रताप यादव के पारिवारिक मामले को लेकर भी बातचीत चल रही थी। दानिश रिजवान ने साफ तौर पे तेज प्रताप यादव को लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि काफ़ी नाराज़ हैं तेज प्रताप यादव जीतन मांझी से, और जिसको लेकर फैसला लिया जाएगा। देखना यह होगा कि जिस तरीके से जीतन मांझी को लेकर तेज प्रताप यादव की नाराजगी दिखाई दे रही है, तो क्या उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में जाएंगे, और जाएंगे तो क्या कुछ बातें होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी बातचीत करते हुए नजर आए थे। तेज प्रताप यादव और जीतन मांझी ये तमाम जो लोग हैं काफ़ी आमने सामने रहे हैं। कभी कभी जीतन मांझी तेज प्रताप यादव के समर्थन में भी खड़े हुए हैं, लेकिन अभी की स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और मांझी पर कई प्रकार के आरोप तेज प्रताप यादव ने भी लगा दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।